Hello everyone, good morning students. Today we are here to discuss our chapter number 11, Thermal Properties of Matter, in which in the last video we have discussed about thermal expansion ke different types and calorimetry principle, heat capacity. Today the next topic is change of state. As you know that when liquid is converted in terms of solid, or solid is converted from liquid, or you can say there are three types of state of matter: solid, liquid and gas. So there is a stable situation in which matter is changed from one state to another state. तो उसको हम बोलते हैं बेटा change of state. अब चेंज ऑफ स्टेट में आपका सॉलिड से लेके लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड से सॉलिड में भी हो सकता है, सॉलिड टू लिक्विड वाइस वर्सा केस भी आपके पॉसिबल होते हैं. तो इससे आगे हम क्या देखते हैं बेटा कि द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग. लाइक यू कैन से एन एग्जाम्पल ऑफ वॉटर, जब आपका सॉलिड से लिक्विड, इट मीन्स कि आइस से वॉटर का फॉर्मेशन होता है, देन दैट प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज मेल्टिंग. और जब आपका लिक्विड से सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, इट मीन्स कि आपका जब फ्रिज में आप रखते हो तो आपका वॉटर रखते हो, जब आप फ्रिज से बाहर निकालते हो तो आपका आइस होता है. तो उस केस में जो आपका लिक्विड से सॉलिड बनता है बेटा, दैट इज फ्यूजन प्रोसेस. सो द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ सब्सटेंस इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट. जिसके ऊपर आपका सॉलिड और लिक्विड स्टेट इक्विलिब्रियम में रहती है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बेटा मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट. तो जो भी मटेरियल है उसका जब वो सॉलिड और लिक्विड जब दोनों पॉइंट्स के बीच में रहता है तो उसको हम बोलते हैं बेटा क्या, मेल्टिंग पॉइंट. जब आपका लिक्विड और गैसेज रहते हैं तो उस केस में हम उसको बोलते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट. अब यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं बेटा, चेंज ऑफ स्टेट के बारे में हमने लिखा हुआ है. यहाँ पर सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है. अब आपका जब सॉलिड हीट को एब्जॉर्ब करेगा, टेम्परेचर राइज होगा, तो वो क्या करेगा बेटा, लिक्विड में फॉर्म हो जाएगा. ये देखिए आपको दो एरो दिखाई दे रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड में जाएगा जब हीट को एब्जॉर्ब करेगा, लिक्विड से सॉलिड में जाएगा जब वो हीट को रिलीज करेगा. नेक्स्ट प्रोसेस है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट का. इट मीन्स कि आपका वॉटर से, अगर वॉटर का एग्जाम्पल लेते हैं तो वॉटर से वेपर के फॉर्मेशन का. इस केस में बेटा आपका लिक्विड से लेके गैस में जाएगा जब वो हीट को एब्जॉर्ब करता है. अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर के केस में बॉइलिंग पॉइंट जो आपका होता है दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड. जब 100 से टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो आपका लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है. तो ये वाला जो प्रोसेस है बेटा, ये आपका सॉलिड से लिक्विड देन लिक्विड से गैस का प्रोसेस है. अभी कई बार क्या होता है बेटा आपका कि डायरेक्टली सॉलिड से गैस के टर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं, और ऐसे मटेरियल को हम सब्लाइम मटेरियल बोलते हैं. अब यहाँ पर आप ये एटम्स की फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सॉलिड के अंदर आपके पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा पास पास रहेंगे तो उनके बीच में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग रहेगी. ये आपका सॉलिड का स्टेट है. जब आपने हीट सप्लाई की तो उसका टेम्परेचर राइज होगा. टेम्परेचर राइज होने के साथ में वहाँ पर मेल्टिंग प्रोसेस होगा. मेल्टिंग होगा तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा. सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा दूर दूर रहते हैं. तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं सॉलिड के रेस्पेक्ट में यहाँ पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर हैं. जब आप और ज्यादा हीट सप्लाई करेंगे तो आपका बॉइलिंग का प्रोसेस आएगा. बॉइलिंग के केस में आपका लिक्विड से वेपर के टर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो उस केस में हमारे जो पार्टिकल्स है गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में क्या होगा बेटा आपका, कि जो आपके मटेरियल्स है वो, जो मॉलिक्यूल्स है वो सब एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे. तो ये आपके एटम और मॉलिक्यूल के टर्म में लिक्विड और बॉइलिंग के, मतलब सॉलिड लिक्विड और गैस के तीनों कंडीशंस को रिप्रेजेंट किया हुआ है. ये आपका नेक्स्ट टेम्परेचर और टाइम के बीच का कर्व है बेटा. इनिशियली आपका क्या होता है कि जो आपका ये वाला स्टेट होता है, जब जीरो से लेस का टेम्परेचर होता है, उस केस में आपका जो
आइस फॉर्मेशन होता है, फिर आपका क्या होता है बेटा, वाटर का कन्वर्जन होता है, वो लिक्विड स्टेट रहती है, और उसके बाद आपका क्या रहता है, स्टेट चेंज की कंडीशन आती है जब आपका लिक्विड से वेपर में जाता है, और 100 डिग्री के बाद में आपका वेपर की फॉर्म में ऊपर चला जाता है, 100 से ऊपर आपका ऊपर वेपर का ही फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा टेम्परेचर और उसके बीच में कर्व है बेटा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम इसमें देखते हैं बेटा कि हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या रहती हैं, एनर्जीज रहती हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं कि मेल्टिंग के केस में, तो जो आपका लिक्विड और सॉलिड के बीच में जो एनर्जी होती है बेटा, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मेल्टिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जब आपका बात होती है वेपराइजेशन वाली स्टेट में, मतलब कि लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है, तो वहां पर जो चेंज ऑफ स्टेट की बात होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हम टेम्परेचर के बात केस में बात वाटर के केस में बात करें, तो हमारी उस एनर्जी को हम बोलते हैं बेटा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई, यही सारी टर्म्स हमने यहाँ डिस्कस की है। द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, वेपर को हम गैस भी बोलते हैं, इज कॉल्ड वेपराइजेशन। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड वेपर स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस को एग्जिस्ट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस एट स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कि स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं एटीएम पे, तो वो हमारा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब हमारा आता है बेटा सब्लिमेशन का प्रोसेस। इसमें मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड पे बताया, सॉलिड से अगर डायरेक्टली आपका वेपर में कन्वर्ट होता है, द चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन एंड द सब्सटेंस इज सेड टू बी सब्लाइम सब्सटेंस। तो आई होप ये सारी टर्म्स आपको क्लियर हुई। अब इससे आगे हमने जो लेटेंट हीट की बात करी है वो देखते हैं बेटा। द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास ट्रांसफर ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस, जब आपका स्टेट चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में जाता है, उस स्टेट में जितना अमाउंट ऑफ हीट आप प्रोवाइड करते हैं, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस ऑफ फॉर द प्रोसेस, दैट डिपेंड कि आपका फ्यूजन का प्रोसेस है या वेपराइजेशन का प्रोसेस है, तो हम उसी के रिस्पेक्ट में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोल देते हैं। तो उस केस में हमारा जो हीट का फॉर्मूला होगा, दैट विल बी इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एम इन टू एल। क्यू इज हीट, एम इज मास ऑफ द सब्सटेंस, एल इज द लेटेंट हीट। सो अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो जूल पर केजी आपकी इसकी यूनिट आ जाएगी बेटा। द लेटेंट हीट फॉर सॉलिड लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसको हम एल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि लेटेंट गैस सॉरी लिक्विड गैस की स्टेट में जब वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं बेटा, जिसको हम LV से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर आपका ये कर्व है जिसमें आपको टेम्परेचर और हीट के बीच का कर्व है, जिसमें आपका प्रेशर, आपने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की हुई है, यहां पर आपका मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब कि जीरो से नीचे की बात है बेटा। टेम्परेचर ये देखिए जीरो है, ये स्केल, इससे नीचे की बात है, मतलब कि आपका सॉलिड फॉर्म में है। जब जीरो की बात करते हैं बेटा, तो सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट एक ही जगह पे पॉसिबल होती है, वहां पर हमारा फेज चेंज होता है, तो उसको हमने बेटा सॉलिड फेज है, यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आएगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाटर के केस में अगर हम बात करते हैं तो उसकी एनर्जी जो है बेटा, हीट एनर्जी है, दैट इज 80 किलो कैलोरी पर केजी। अब 0 डिग्री के वाटर से लेके 100 डिग्री के वाटर तक आपका लिक्विड स्टेट रहेगा, दैट इज वाटर रहेगा। फिर 100 डिग्री के ऊपर आपकी फिर से फेज चेंज होगी बेटा अगेन, जिसमें हमारा लिक्विड और वेपर दोनों स्टेट रहेंगी। तो यहाँ पर जो हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वाटर के केस में, दैट इज 540 किलो कैलोरी पर केजी, और अगर आप इसको जूल पर केजी में बोलेंगे तो बेटा 22.6 × 10⁵। और 100 डिग्री के बाद आपका बेटा गैसियस स्टेट रहता है। तो ये आपका कर्व है, बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है बेटा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये कर्व क्लियर हुआ। अब हम आगे देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा आता है बेटा रिलेशन बिटवीन कंडक्शन कन्वक्शन एंड रेडिएशन। ये टॉपिक वैसे तो हमारा सिलेबस से डिलीट हो गया है, हम इसकी एक ओवरव्यू ले लेंगे सो दैट कि आप इससे अननोन ना रहें। इस टॉपिक के बारे में बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू।